सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई आज हमारे साथ है कृष्णा भाई। सबको हाय बोल दो यार इसी के साथ। सो गाइस, आपकी ना बहुत सारा डिमांड आ रही थी कि भाई डेली ब्लॉगिंग करो, डेली ब्लॉगिंग करो, क्योंकि भाई हमें बस आपके ना ब्लॉग्स देखना पसंद है, आप कुछ भी डालोगे ना हम देख लेंगे। तो इसीलिए गाइस, आज हम डेली ब्लॉग का यहाँ से चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं आपका, और ट्राई करेंगे कि भाई जितना ज़्यादा हो सके कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। और हाँ भाई, आज हम जाने वाले रिएक्शन लेने के लिए, कहाँ पर जाने वाले, आरकेपुरम, क्योंकि उधर से बहुत सारा डिमांड आ रही थी कि भाई यहाँ पर क्राउड रहता है, तो भाई इधर का एरिया कवर अप करो। तो आज हम उसको कवर अप करने वाले हैं भाई। सो गाइस, हम ना कल एनिमल मूवी देखने के लिए गए थे, क्योंकि भाई अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हाइप बनी हुई भयंकर, तो मैंने कहा देख ही लेते हैं भाई। तो भाई कृष्णा भाई से हम रिव्यू पूछना चाहेंगे, कैसी लगी आपको मूवी? भाई मूवी तो बहुत अच्छी थी, बस फैमिली के साथ मत जाना, क्योंकि 18 प्लस मूवी है। बिल्कुल, और उसके जो कॉन्सेप्ट भाई, क्या एक्शन है भाई मूवी के भाई, अरे क्रेजी भाई, वो बिल्कुल भी पारिवारिक फिल्म नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर जाओ ना तो सिंगल जाना या फिर गर्लफ्रेंड के साथ जाना, ठीक है? हम तो भाई फ्रेंड्स गए थे, क्योंकि हम तो सिंगल है। बाकी भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई पर्सनली मेरे को कुछ वहाँ के सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जैसे कि आपको पता है कि एक रणवीर कपूर का सीन होता है जिसके अंदर कपड़े नहीं पहने होते बिल्कुल भी, तो भाई वो सीन तो मतलब क्या बोलूं मैं। और एक और चीज़ यार मैं कहना चाहूँगा कि देखो, उस फिल्म का नाम है एनिमल, तो उसमें क्या होता है ना, आप ये मान के चलो एनिमल को हिंदी बोलते जानवर, तो बेसिकली उस मूवी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये कि आज का जो इंसान है, कलयुग का जो इंसान है, वो जानवर बन चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कैसे काट रहे हैं गंदे तरीके से, एक्शन के जो सीन से काट रहे हैं, किसी के भी साथ सो रहे हैं, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, इस टाइप के जो सीन्स है भाई, वो सारी हरकतें जो है ना वो जानवरों वाली हैं, तो भाई हम ये कह सकते हैं, इसलिए उस पिक्चर का जो नाम है वो एनिमल रखा गया है। क्यों भाई, सही बात है? दिल वाले तो बिल्कुल मत जाना। अरे भाई कुछ लोग तो वहाँ पे उल्टी कर रहे हैं एक्शन सीन देख के, ठीक है, क्योंकि आप सोच सकते हो, अगर आपने देखी है ना तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? एंड गाइस, यहाँ खड़ी हुई है हमारी सुपर बाइक, हमारी फ्लैश, हमारी कावासाकी Z900, एंड लग रही है भाई बहुत ज्यादा सेक्सी। चेक करो क्या लग रही है भाई, बहुत सेक्सी है। इसके अंदर लगा हुआ है AC प्रोजेक्ट, एकदम ओरिजिनल वाला, और साउंड भाई अभी सुनाऊंगा कैसा होने वाला है, ठीक है ना? और भाई आप एक बार चेक करो यार लुक, मतलब जो फील इसको देख के आता है ना, पूरे दिन देखते रहो ऐसा लगता है। तो अभी साउंड सुनाते हैं फटाफट से आपको। तो गाइस, अभी ना हम यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहे थे भाई, और हमें यहाँ पे मिल चुका हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर, इधर आ जाओ भाई, हाय कर दो सबको हमारे। हाय गाइस। तो भाई भाई की ना एक डिमांड है, भाई डिमांड बता दो अपनी। आपकी बाइक पे बैठ के okay, एक हाँ, बार वॉइस लेनी है, वॉइस। अच्छा, साउंड देना है भाई को, आओ बिठाते हैं, बैठ तो जाओगे ना? यस। क्या बात है, क्या बात है, अरे नाइस, बैठ गए, स्टार्ट कर दो कृष्णा भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। कैसा लगा अपने को बाइक पे बैठ के? बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या बात है, ये मैंने बाइक कभी देखी भी नहीं थी दुनिया में। हाँ? मैंने सुना था इसका नाम, हाँ? रॉयल है, बहुत ज्यादा। हाँ, रेयर है। तो बैठ कर देखा। क्या बात है, तो अभी ड्रीम पूरा हो गया अपना। यस। क्या बात है, साउंड कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। जबरदस्त, चलो बढ़िया यार, मैं भी खुश हूँ अगर तुम्हें अच्छा लगा तो। मिलते हैं ना, बाय बाय। ओके, सो गाइस अभी फटाफट से निकलते हैं और आपको देते हैं बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस। क्यों कृष्णा भाई, कैसे होने वाले आज के रिएक्शन? अरे क्रेजी क्रेजी, बहुत ज्यादा क्रेजी। एंड हम ट्राई करेंगे भाई बेस्ट से बेस्ट आपको ब्लॉग देने का। इसमें आपको मिलेगा डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग, मैं शुरू करने वाला हूँ, साथ के साथ मिनी ब्लॉग्स और भाई रिएक्शन ब्लॉग तो अपने फेवरेट हैं ही। इसी के साथ मिलते हैं गोपर के साथ। सो गाइस, आ चुके हैं अपने गोपर के साथ। एंड भाई मौसम हो रखा बहुत डेंजरस, मैं सही बता रहा हूँ भाई, आपको दिख भी रहा होगा, धुंध हो रखी है भाई, भयंकर वाली ओस पड़ रही है, और इस मौसम में जो बाहर निकलता है ना भाई, वो बीमार पड़ना तो कंफर्म है, ठीक है? बट स्टिल भाई आपका भाई रिस्क लेके निकला है कि भाइयों को डेली ब्लॉग देना है, कैसे भी देना है। बस हमारा डेली ब्लॉगिंग का जो चैलेंज है ना, वो बस एक चीज़ रोक सकती है, वो है बारिश, वो नहीं होनी चाहिए भाई, बस वो रोक सकती है, बाकी तो कोई नहीं रोक सकता भाई। मैं जान लगा दूंगा डेली ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है? क्योंकि आपने भाई इतना बोला है ना कि भाई इतने DMs आए मेरे को लिटरली यार, मेरे को क्या बताऊँ मैं कि भाई डेली ब्लॉग करो और कैसे भी लाओ, कुछ भी लाओ, हमें पसंद है बस आपको देखना। तो यार मतलब बहुत दिल से अच्छा लगता है सबको यार, शुक्रिया बहुत बहुत ज़्यादा। बात करूँ कि भाई मैं किस लोकेशन पर हूँ, तो भाई अभी हम चल रहे हैं आरकेपुरम की साइड में, क्योंकि उधर अभी तक हम नहीं गए हैं बहुत ज़्यादा। एक लोकेशन है जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट करी कि भाई यहाँ पे अच्छे खासे रिएक्शन मिल सकते हैं, तो मैंने कहा भाई चलते हैं, चलो यार। बाकी भाई जैसे जैसे मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मेक श्योर यार फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको मिलेगा एकदम क्वालिटी कंटेंट। ये देखो भाई इंडिया की रोड्स कैसे कैसे भाई रोड्स हैं आगे, एक तो सुपर बाइक के लिए तो ये बिल्कुल नहीं बने हैं, ठीक है? चलो छोड़ो, अपन तो इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे। सो गाइस वहाँ आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट, एंड भाई लिटरली जो मैं रील्स बनाता हूँ ना, एकदम क्लासी होने वाली है। एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दो रील्स मेरा इंस्टाग्राम खोल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, देखो आप रील देखो एक बार। सुनो भाई, ये गाड़ी स्टार्ट कर दोगे क्या?
क्यों भाई? क्योंकि मेरे हाथ नहीं है। अबे मेरे भी तो नहीं है। भाई को यार वहाँ भी सपोर्ट करो, वहाँ अपने अब अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है, बट वहाँ भी कम से कम एक लाख फॉलोवर तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो गाइज मेक श्योर कि यार फॉलो कर देना। चलो गाइज यहाँ से अभी अंदर थोड़ा के अंदर की साइड चलते हैं, क्योंकि बाहर बाहर तो मेन रोड है, तो रिएक्शन है ना वो अंदर ही मिलेंगे। क्या हुआ भाई, पीछा क्यों कर रहे हैं हमारा? ही जानते हैं तेरे को, गोप्रो तो लगा रखा है भाई ने। क्या हुआ? हाँ पता नहीं क्या चाहते। क्या हुआ भाई, छोड़ो यार। अरे क्या कह रहा है भाई ये, यार मैं तो जानता हूँ नहीं। ओ भाई क्या, अरे 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 क्या चाह रहा भाई ये, अरे अरे हाँ क्या हुआ इसको, नहीं पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है इसके। हाँ नहीं क्या हो गया, मैं पूछ ही लेता हूँ क्या दिक्कत है। हाँ भाई, हाँ क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तुम तो मैं आ गया। हाँ मैं ही हूँ, क्या हुआ भाई? हाँ आवाज़ दे रहा हूँ, रुकने का नाम नहीं। क्या भाई आवाज़, मेरे भाई आपने आवाज़ कब दी है? मेरी बात सुनो, आपने कोई आवाज़ नहीं दी। आवाज़ दी थी क्या कृष्णा, तू बता ठीक है? मैंने कहाँ का मैसेज किया आपको यार, कब मैसेज कर रहा हूँ ब्रो, ने स्टोरी लगाया आपने, कुछ तो रिप्लाई किया भाई। रियली सॉरी, बट मैं जितना हो सकता है मेंशन करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? अगर आपको नहीं मिला तो उसके लिए मैं रियली सॉरी बोलना चाहूँगा। बाकी जब आपने ऐसा बल्ला दिखा के मेरे को आपने रोका ना, तो हमें कुछ नेगेटिव लगा कि भाई। हाँ भाई एटीट्यूड की कोई बात नहीं है, ठीक है? हाँ अरे भाई लड़ो नहीं, अरे भाई लड़ो नहीं। अरे अरे हाँ लड़ने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है यार? तुम बात कर रहे हो तो ये बीच में बोल रहा है भाई। एक्चुअली कोई नहीं, अपन से बोलूंगा मैं तो भाई, अपने बोल रहे ना, मत बोलना भाई। बोलूंगा। अरे ब्रदर सुनो यार, हमको यहाँ पर इज्जत भी नहीं, ब्रदर ऐसा बुरा मत मान भाई, हमको यहाँ पर डिसलाइक करने के लिए नहीं, अब डीएम करने के लिए भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यार, आपका सपोर्ट कर रहे हैं ब्रदर। हाँ। कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली भाई ने वो थोड़ा तू पे बोला ना, तो उसको गुस्सा आ गया। ऐसे बात करते हैं यार भाई, तो हाँ मैं सॉरी बोल रहा हूँ इसी तरफ से भाई, सॉरी ऐसा। हाँ। लड़ने नहीं आया पर हाँ। समझ नहीं आया बात को, बस ऐसे दिखा दो। हाँ। रोक 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 जैसे तुम मान जा रहे हो। हाँ हाँ मामले में थोड़ा एरिया ऐसा बुरा है, इस वजह से ऐसा टेंशन नहीं था आपको करने के लिए। हाँ हाँ प्लीज यार, नहीं नहीं बुरा एक्चुअली, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ठीक है? बट यार देखो हम आपसे तमीज़ में बात कर रहे हैं, आप भी तमीज़ में बात करो, ठीक है? बस वो हमारा कहना है, ठीक है? क्या हुआ? महाभारती स्कूल यहाँ पे, जाओ ठीक है? तो वो बात थी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी यार मैंने आपको रिप्लाई कर दूंगा, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल खोल के, आप खुद बोलोगे इतने सारे मैसेज हैं मेरे को। भाई ये तरीका हाँ पर हाँ तो बस बस मतलब ये हाँ 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 नहीं वो तो है, बट आपका ये तरीका जो लगा मतलब थोड़ा सा हाँ हाँ देखो हाँ नहीं नहीं बिल्कुल भाई, मैं तो प्रॉपर सपोर्ट, अगर आप भी एक मोटो ब्लॉगर हो कोटा से तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि हम कोटा से ही हैं भाई, सेम सिटी से हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि सपोर्ट बनता है। हाँ हाँ अरे बस भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं पक्का ली तो हूँ यहाँ का। क्या बात है, आपको कई बार देख लिया लैंडमार्क वगैरह हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, आप मेरे को देख चुके हैं इससे पहले भी जाते हुए? आवाज आपकी बाइक इतनी स्पीड में रहती है, हाँ रोक ही नहीं पाते। अरे नहीं कर पाएंगे आपको। अरे भाई यार हमारे साथ भी कॉलेज वगैरह हो। बिल्कुल बिल्कुल कॉलेज वगैरह हम करेंगे इन फ्यूचर, मतलब एक मुझे अभी आप ऐसा करना नंबर दे देना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ब्लॉक कर लेंगे साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी भाई ये बल्ला बल्ला यार लेके थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आपको कोई भी डीपीएम वगैरह हमारा बस बस आप रुकते भी नहीं हो यार कम से कम। नहीं नहीं एक्चुअली भाई इससे पूछो, जब बाइक चलती है ना तो आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, तो बाकी बाहर की आवाज़ आ ही नहीं पाती। लेके हमारा खुद का इसी यही तो पसंद हाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ हेलो भाई, जानते हो आप? क्या बात है, हेलो भाई बढ़िया। तो ब्लॉग्स में ओवरऑल मज़ा आ रहा है अपने को, सारी वीडियोज़ देखी हैं, कौन सी बेस्ट लगी अपने को, ऐसी कोई वीडियो है? रिवर फ्रंट वाली सही लगी? क्या बात है, और रैपिडो प्रैंक अच्छे लगते हैं? चलो बढ़िया यार, ठीक है बाकी सपोर्ट करो, ठीक है मिलते हैं बाय, है ना? ओके सेल्फी हाँ लूँ ना, आ जाओ आ जाओ, ओके खींच दो भाई आप। एक बार एक दोस्त सुना दो भैया। साउंड सुनना है? अरे क्यों नहीं, साउंड सुना देता हूँ मैं, देखो
कैसा लगा? बढ़िया है। कैसा लगा साउंड आपको? दिल खुश हो गया, मजा बढ़िया लगा। चलो यार फिर तो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं, एक दो एक्चुअली है, एक दो के पास, बट वो ये ना ब्लॉग्स नहीं बनाते वो। अच्छा। हाँ वो बस रख के बैठे हैं कि भाई हाँ चलो बस शोबाजी के लिए। हाँ अच्छा बिल्कुल भाई, नहीं कोई बात नहीं यार, हो जाता है। हाँ हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, अपन साथ में डील करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं ना, बिल्कुल ओके। चल ये आपने अभी न्यू लिया है क्या? ओके अच्छा अच्छा, तो आप ब्लॉग्स बनाते हो, कैमरा है आपके पास तो? अच्छा शुरू किया है, ओके 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 ओके। अरे बिल्कुल मैं ट्राई कर लूँ उसको, मैंने कभी ऐसा चला ही नहीं न्यू वर्जन। ओके उड़ जाएगी ना सेकंड में तो फर्स्ट में लूँ। चलो क्या बात है यार, एक बात तो है भाई, R15 के भी अपने अलग ही मज़े हैं। इसके एक्सीलेटर में ना बहुत डिफरेंस है, मतलब मैं जीनों से चलाता हूँ ना भाई, उसका हल्का सा ऐसे करना है और वो बस पहुँच जाती है। अब इसको मुझे इतना पूरा करना पड़ रहा है, आप देखो पूरा इतना करना पड़ रहा है, ठीक है, तब जाके ये कहीं ना कहीं 50-60 पे पहुँच पा रही है। उसका तो पहला खेर ही इतना चला जाता है। अरे अंकल आप बीच में क्यों चल रहे हो? अरे 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 क्या क्यूट डॉगी है। हाय 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 क्या बात है, बट कुछ भी कहो भाई R15 की फीलिंग अलग ही है। बट यार एक चीज़ मुझे बड़ी सही लगती है इनमें, इसमें कटिंग और लीनिंग बड़ी प्यारी होती है, बट हम जीनोसो के अंदर कटिंग तो मत ही पूछो भाई, बिल्कुल गंदी है, बहुत गंदी है कटिंग तो, मतलब ये बोलो गाड़ी रोकनी पड़ती है फिर मोड़ना पड़ता है क्या यार। ओहो बट कोई नहीं गाइस, सुपर बाइक है यार, और ये बाइक्स भी अपने लिए प्यारी बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि भाई इन बाइक्स में मज़े नहीं आते, मज़े सारी बाइकों में आते हैं, ठीक है। आप में बात होनी चाहिए, आप में स्किल्स होनी चाहिए, सारी बाइक्स बेस्ट होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि सीसी से कुछ होता है भाई, बाइक लड़कों का प्यार होती है यार, बाइक बाइक होती है, ठीक है। क्या बात है, मज़ा आ गया भाई राइड लेके भाई की बाइक का, इन बाइकों का यार फीलिंग अलग ही, एक बात तो कहनी पड़ेगी। चलो भाई फोटोग्राफी कर रहे हैं अभी, सबका ड्रीम होता है इस 900 के साथ में फ़ोटो यार, ठीक है, और मैं मना कभी करता हूँ नहीं। ओ भाई मज़ा आ गया कुछ भी को भाई, बहुत बढ़िया मतलब मज़ा आ गया। मैंने एज इन ब्लॉग्स के अंदर कभी R15 चलाई भी नहीं है। नहीं नहीं बाकी एक बात तो है भाई कि भाई R15 की फीलिंग ही अलग है, ठीक है, सबकी दिल की है, सब हाँ क्लास फैमिली के लिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं सही बात है भाई, मतलब पावर तो यार देखो सीसी में डिफरेंस है तो पावर में डिफरेंस तो होना ही होना है, ठीक है, बाकी हाँ मज़ा आया और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यार, ठीक है। अरे बिल्कुल चलो मिलते हैं ना, अभी मैं बस में निकल ही रहा हूँ। ओके ओके बाय, ठीक है भाई, बड़े ठीक है, ओके मिलते, बाकी ये बल्ला बल्ला कम रखो, लोग डर जाते हैं। ओके ठीक है भाई, ओके ओके है ना, बाय। क्या बोल रहे थे? थैंक यू यार, कितने क्यूट बच्चे थे ना, मज़ा आ गया। क्यों कृष्णा भाई यार तगड़ा सीन बिठा दिया है। अरे भाई मैं मारता हूँ उसको कसम से। अरे भाई देखिए फिर वो उसके दूसरे ने छुड़ा हाँ। दिया ना, मारता नहीं नहीं एक्चुअली जो चला रहा था ना बाइक वो बंदा अच्छा था, ठीक है, और उसका हाँ। जो साथ था ना उसमें एटीट्यूड एक्चुअली हाँ वो थोड़ा सा तमीज़ में नहीं बोला तो उसमें तो मैं गुस्सा आ गया होगा, आएगा ऐसे याद। हाँ बस यार देखो अपन जब तमीज़ से बात कर रहे हैं तो आप भी तमीज़ से करो ना, तमीज़ से बोलना चाहिए ना भाई, ठीक है।
तो ये नहीं कि अपन की पहली लड़ाई दुश्मनी है। बस 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 अपन ने यार कुछ ऐसा वैसा तो है ना, देखो हरकत है। तो गाइस उस एरिया में हम गए थे भाई, बट वहाँ पे क्या हुआ कि यार कोई भी क्राउड नहीं मिला और कोई भी एक्शन नहीं मिला, तो हमने कहा फिर रात को निकल लेते हैं, रात भी हो गई थी। अरे गाइस ओहो भाई आज का दिन तो गजब ही था भाई, रात ही हो गई जाते जाते यार, सर्दी लग रही बहुत भयंकर वाली। चलो कोई नहीं अभी बचाते हैं यार, थोड़ी जैकेट वैकेट पहनेंगे, इस निकलते हैं घर को। एंड यार आई होप आपको ब्लॉग में मज़ा आएगा पूरा पूरा, भाई को ऐसे सपोर्ट करो, अभी बहुत आगे जाना है ठीक है, नंबर वन अपन को बनके दिखाना है। तो कहते हैं कि बिना स्टंट करे या फिर बिना हाइपर राइडिंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते मोटर ब्लॉगिंग करियर में, तो उन सबको दिखाना है कि भाई आप गलत हो और हम ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं ठीक है गाइस, उनको गलत प्रूफ करके अपन रहेंगे। सो इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, फ्लैश आर्मी लव यू।